नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। समिति के श्याम मानव का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्यवाही नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, श्याम यहां रायपुर आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा, हमने दिव्य दरबार लगाया है तो श्याम क्यों नहीं आए, अब हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं, हम 7 दिन की ही कथा करते हैं, हमारा दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे, हमें अपने ईष्ट पर भरोसा है, हम अंधविश्वास के पक्षकार नहीं हैं, हमारे ईष्ट लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है। हिंदुत्व और धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण बाकी लोग लाभ उठाते हैं, पर अब बदलाव आ रहा है, हिंदू जाग रहे हैं, जहां भी धर्मांतरण हो रहा है हमने वहां जाकर कथा करने का संकल्प लिया है, परिवारों की वापसी भी हुई है, हिंदुओं के देवी देवता को इसलिए ही टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हम काफ़ी भोले भाले लोग हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।